बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन एक और हिट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतल्लिक है। आपको मालूम है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनकी सर्विसेज रहती हैं और वहाँ पर वेला किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में फंसते हैं और उसके बाद अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, एक तो वो उसका हिस्सा होगा जिसमें हम आपको जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें बहुत बड़ा नाम है, जो कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके हवाले से बताएंगे। उसके जो चेयरमैन है साद नज़ीर, क्योंकि आपको मालूम है कि नैब ने इस हवाले से एक एडवर्टीज़मेंट भी जारी की थी, एक तो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। दूसरा, इस प्रोग्राम में हमारा एक हिस्सा होगा, आपको मालूम है कि चौंतरा के इलाके में एक निडर और ईमानदार डीएसपी स्टार खान को तैनात किया गया था, लेकिन स्टार खान ने जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है उसके एक मेन लैंड ग्रैबर चौधरी नईम इजाज को दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसका जो मालिक है जायद रफीक, एक कब्ज़ा माफिया है साई नाम, उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर ये जो एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसका नाम निसार अफजल है, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि मुकदमा वो भी दर्ज करवाता है। लेकिन ये मुकदमे जब दर्ज होते हैं तो स्टार खान एक इनिशिएटिव लेता है, डीएसपी स्टार खान, क्योंकि उनका माजी बहुत तल्ख है, वो जब थानों में एसएचओस तैनात थे तो वो अफसरान की बात गैर कानूनी किसी का भी हुक्म नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने जो चौंतरा के इलाके में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से एक बोल्ड स्टेप लिया, तो ये जो कब्ज़ा माफिया है इनकी टांगे कांपना शुरू हो गई है और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से प्रोपोगंडा किया और इतला ये मौसूल हो रही है कि इन लोगों ने आईजी पंजाब तक अप्रोच लड़ा के इस निडर और ईमानदार डीएसपी स्टार खान को ज़िला बद्र करवा दिया है। इस हवाले से आपको बताएंगे कि स्टार खान ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतल कौन कौन से इनिशिएटिव लिए थे, किस वजह से स्टार खान को यहाँ से ज़िला बद्र किया गया, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए उन इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि स्टार खान ने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है, जबकि हकीकत हम आपको बताएंगे। स्टार खान से हमारी बात भी हुई लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र हुआ हूँ, लेकिन हमारे पास इतला ये है कि स्टार खान को ट्रांसफ़र करवाने में कुछ सहाफ़ियों का भी हाथ है, उन्होंने भी जब स्टार खान ने ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के चौधरी नईम इजाज को गिरफ़्तार किया था, उसके बाद जायद रफीक के ऊपर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मालिक है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, तो इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये करप्शन करते हैं, इन्होंने रिश्वत मांगी है, इन्होंने रिश्वत ना देने पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हकीकत हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक और किरदार सामने आया है, खान मोहम्मद, मुबैना तौर पर डायरेक्टर फाइनेंस उसको कहा जा रहा है, इसके अफसरान के साथ कुछ रबते हैं, अफसरान के साथ मुलाकातें हैं, वो किस हैसियत में मुलाकातें कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि जायद रफीक अगर इस हवाले से अपना मौकफ देंगे तो हम उसको भी चलाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नोवा सिटी के जो मालिक हैं चौधरी जुनेद अफजल, उनके खिलाफ आपको मालूम है कि नैब ने जब इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने भी झूठा वेला शुरू कर दिया कि हमें ले आउट प्लान की परमिशन मिल गई है, एनओसी में मिल गया, इसकी हकीकत आपको बताएंगे। और अब नोवा सिटी की जो मैनेजमेंट है वो लोगों के घरों में जो उनके मेंबर्स हैं जिन्होंने फाइलें परचेज की थी उनके घरों में लेटर अरसाल किए जा रहे हैं कि अगर आपने 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो 10 अप्रैल तक आप इंस्टॉलमेंट एक पे करें, नहीं तो आपकी मेंबरशिप मनसूख कर दी जाएगी। ये बेसिकली टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो चौंतरा में सबसे बड़ी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक जो है आपको मालूम है साद नज़ीर हैं, एक साबिक ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं, उस ब्यूरोक्रेट का नाम भी नैब की इन्वेस्टिगेशन में आया है, नैब की इंक्वायरी में आया है और नैब ने इस हवाले से एक एडवर्टीज़मेंट जारी की थी कि जो भी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मेम्बरान हैं जिन्होंने फाइलें परचेज़ की हैं इस हवाले से अगर उनको कोई कंप्लेन है तो वो नैब से रुजू करें। अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं कि 1000 से ज़ायद एप्लीकेंट नैब से रुजू कर चुके हैं और नैब ने इस हवाले से हमारे तक ज़राए से ये भी इतला पहुँची है, अनकरीब अब नैब ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के दफातर पर छापे भी मारेगी, वहाँ पर जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को भी कब्जे में लिया जाएगा। लेकिन जो नैब की इंक्वायरी है उससे बचने के लिए साद नज़ीर ने भी हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, क्योंकि साद नज़ीर के ऊपर एक सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है और उसकी हकीकत भी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस है,
यहाँ पे जो गैर कानूनी इसकी हाउसिंग सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी, आपको मालूम है कि कुछ माह कबल साद नज़ीर ने ख़ुद सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन शुरू की थी कि हमें NOC मिल गया है। उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि ये जाली NOC है। साद नज़ीर ने यह ड्रामा इस वजह से खेला है ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो लोग इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे वो इंस्टॉलमेंट पे करें, आवाम को सही तरीके से निचोड़ा जाए। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि साद नज़ीर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस ज़ेर समात है, उसमें यह ज़मानत पर है। वो केस कब फिक्स होता है इस हवाले से जब नैब हुकाम से हमारी बात हुई तो नैब हुकाम ने कहा कि हम अनकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर एप्लीकेशन दायर करने लगे हैं कि साद नज़ीर चौधरी नेम इजाज का जो केस है उसको जल्द अज जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए। साथ आपको ये भी बताएं कि साद नज़ीर अक्सर मुख्तलिफ निजी महफिलों में बैठ के ये कहता है कि चौधरी नेम इजाज उसके लिए लैंड ग्रैबिंग का कब्ज़े माफिया का काम करता है और जो लोग कब्ज़ा नहीं देते चौधरी नेम इजाज उसकी इमा पर, यानी कि साद नज़ीर के इमा पर जो बेगुनाह शहरी हैं, मजलूम शहरी हैं, उनके ऊपर फायरिंग भी करते हैं, उनको मारते भी हैं और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। इसका हमारे पास सबूत भी मौजूद है जो निजी महफलों में बैठ के साद नज़ीर ने यह बात की है। साद नज़ीर का इस हवाले से हमने अपना सवालनामा भी भेजा है। साद नज़ीर अपना अगर मौक़िफ़ देगा तो हम उसको भी चलाएंगे, क्योंकि साद नज़ीर के बकौल एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी है। वॉच टाइम्स की टीम के मुताबिक एशिया का सबसे बड़ा जो फ्रॉड है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का है, जिनके पास इतनी लैंड नहीं है जितने वो प्लॉट फरोख्त कर चुके हैं, जितने वो फाइलें फरोख्त कर चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के पास जो ज़मीन है वो टोटो में है, जिस वजह से इनको NOC नहीं मिल रहा। कल के प्रोग्राम में साद नज़ीर का एक और चेहरा भी आपको दिखाएंगे कि ये अपने ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए इसने कौन सा हरबा इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये अब अपने आप को सीनियर तजज़ियाकार भी कहता है। इस हवाले से सबूतों के साथ आपको कल के प्रोग्राम में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे। अब आते हैं नाजरीन DSP स्तार खान के ऊपर। आपको मालूम है कि DSP स्तार खान वो वाहिद पुलिस ऑफिसर है जिसने ज़िला इंतज़ामिया को, महकमा माल को, CPO को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि चौंतरा के इलाके में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके पास जो मशीनरी है ये नॉन कस्टम पेड है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को ख़त लिखा जाए और उनसे पूछा जाए कि इसका तहकीकात की जाए कि कौन कौन सी जो मशीनरी है वो नॉन कस्टम पेड है उसको कब्ज़े में लिया जाए। इसके अलावा स्तार खान ने पहली दफ़ा ये तारीख में हुए, रिकॉर्ड के ऊपर है, बगैर रिकॉर्ड के बात नहीं कर रहा, चौधरी नेम इजाज जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन साद नज़ीर के लिए कब्ज़ा माफिया का काम करता है उसके ऊपर 40 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे और पहली दफ़ा स्तार खान ने उस बाअसर कब्ज़े माफिया को गिरफ़्तार किया। जब चौधरी नेम इजाज को गिरफ़्तार किया गया तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई, लेकिन स्तार खान ने स्टैंड लिया और स्तार खान ने चौधरी नेम इजाज के जो गिरफ़्तार किया था गिरफ़्तारी डाल दी। अब चौधरी नेम इजाज पाबंद सलासल है, अभी तक उसकी ज़मानत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद साद नज़ीर के हवाले से जो स्तार खान है इसके ऊपर साद नज़ीर ने प्रोपागंडा शुरू कर दिया। फिर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी निसार अफजल, उसने भी मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदों को मिलाकर उसके ख़िलाफ़ ख़बरें चलवाईं और इल्ज़ाम लगाया कि स्तार खान उससे रिश्वत का मुतालबा कर रहा है, जबकि स्तार खान ने निसार अफजल से कहा था जिस जगह का आप मालिक हैं उस जगह के डॉक्यूमेंट्स हमें दें, क्योंकि निसार अफजल ने वो जगह पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी को बेची, पहले एक शख्स को बेची, फिर उस शख्स ने वो जगह ब्लू वर्ल्ड को बेची और जब कब्ज़ा हुआ तो उसके बाद स्तार खान ने लेटर्स अरसाल किए महकमा माल को कि हमें बताया जाए कि ये मौजात किस किस की कौन कौन सी जगह है। लेकिन स्तार खान को यहाँ से पंजाब के IG पंजाब को फोने करवा के पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जब इन्वॉल्व हुई, क्योंकि इतला ये मौसूल हो रही है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ ख़ास ऑफिसर्स हैं जिनकी इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जगह भी हैं, उस हवाले से भी हम आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको दिखाएंगे कौन कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिसकी ब्लू वर्ल्ड अब्दुल्ला सिटी में ज़मीनें हैं और कितनी ज़मीनें हैं, कौन सा ऑफिसर इनकी पुष्टपनाई कर रहा है। फिर आपको मालूम है कि नोवा सिटी के हवाले से ऑलरेडी नैब ने जब इंक्वायरी शुरू की तो जो चौधरी जुनेद है नोवा सिटी के मालिक, उन्होंने एक झूठा प्रोपेगंडा शुरू कर दिया ताकि जो नैब हुकाम है उन तक कोई एप्लीकेंट ना पहुंच पाए। अब चौधरी जुनेद के पास नोवा सिटी जो इस्लामाबाद में है इसका NOC नहीं है। जो लेआउट प्लान का ड्रामा खेला जा रहा है वो आप देख लें कि वो जो आपको लेटर दिखाते हैं उसके ऊपर 13 फरवरी 2021 की तारीख है और इसके अलावा एक और लेटर है, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो महकमा माल है उसने गैर कानूनी तरीके से लेआउट प्लान अप्रूव किया है। अब चौधरी जुनेद ने
कल एक इफ्तारी का भी अहतमाम किया और वहाँ पर तमाम मेम्बर्स को बुलाया, सिर्फ इस वजह से कि उनसे एक तो इंस्टॉलमेंट ली जाए और दूसरा उनको कहा जाए कि हम अभी लेआउट प्लान हमारा अप्रूव हो चुका है, हम काम शुरू कर रहे हैं, तो आप एक साथ भी दें और नैब में, क्योंकि नैब की जानी बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट कराने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से मैंने बताया था कि नोवा सिटी का एक ग्रुप भी बना हुआ है एफेक्टिव का, जो लम्हा बलम्हा आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन नोवा सिटी की इंतज़ामिया टस से मस नहीं होती। अब नैब ने जो इंक्वायरी शुरू की है, चौधरी जुनेद ने भी इस इंक्वायरी से बचने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब तो पीटीआई की गवर्नमेंट तकरीबन समझे जा चुकी है और अब होना यही है कि साद नज़ीर को पुष्ट पनाही हासिल थी गवर्नर पंजाब की। आपको मालूम है कि उनके ऊपर, उनको जब हटाया गया तो उन्होंने भी एलिगेशन लगाए करप्शन के ऊपर। चौधरी सरवर थे गवर्नर पंजाब, उनको वो पुष्ट पनाही करते थे साद नज़ीर की, और इसके अलावा जो गुलाम सरवर खान है वो पुष्ट पनाही करते थे चौधरी जुनेद की। अब देखते हैं कि नैब की जो इंक्वायरी होगी, कब तक गिरफ्तारियां मतवक्को हैं, कब तक रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाएगा, ये सारी सूरत हाल लम्हा बलम्हा आपसे। नाज़रीन, एक और जो आपको मालूम है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मालिक हैं जायद रफ़ीक और उनका एक कब्ज़ा माफिया साई इनाम, इनके ऊपर स्तार खान ने एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। अब उस दहशतगर्दी के मुकदमे से बचने के लिए एक नया किरदार कैपिटल स्मार्ट सिटी का खान मोहम्मद नामी ये किरदार सामने आ रहा है। ज़िला इंतजामिया के अफसरान से मुलाकातें कर रहा है, पंजाब पुलिस के अफसरान से मुलाकातें कर रहा है और उनको तारुफ़ जो करवाता है मुबैना तौर पर डायरेक्टर फाइनेंस कैपिटल स्मार्ट सिटी का, क्योंकि अब होना यही है कि स्तार खान जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, जो अनकरीब जायद रफ़ीक को भी गिरफ़्तार करने वाले थे, साई इनाम को भी गिरफ़्तार करने वाले थे, दीगर और जो साद नज़ीर की भी गिरफ़्तारी का इम्कान था, लेकिन क्योंकि ये कब्ज़ा माफिया इस कदर बासर है कि ये तबादले भी करवा देता है और इन्होंने स्तार खान को ज़िला बदर करवा दिया। अब जो नया किरदार खान मोहम्मद है ये कौन है, इस हवाले से वॉच टाइम्स की टीम काम कर रही है। अगर जायद रफ़ीक इस हवाले से अपना कोई भी मौक़िफ़ देंगे तो हम उसको भी मनवान चलाएँगे, लेकिन खान मोहम्मद कौन है जल्द आपको बताएँगे कि इसकी असलियत क्या है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।